अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ शैनील की ए लाइन फ्रॉक शेयर करने जा रही हूँ, फुल घेर की, जिसके अंदर मैं आपको पफ स्लीव्स बनाना भी सिखाऊंगी, इसके अंदर ही मैं अटैच करूँगी। जिसके लिए मैंने ये कपड़ा जो है 2.5 मीटर लिया है। इसका अरस काफ़ी चौड़ा है, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको खोल कर दिखा रही हूँ। ये चौड़े अरस वाला कपड़ा है, मतलब कि इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये फुल फैब्रिक जो है 2.5 मीटर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे हमारे फैब्रिक की जो है लेंथ है, और ये यहाँ पर इस तरीके से ये विड्थ है। तो हमें फैब्रिक के मेजरमेंट के लिए इसे रॉन्ग साइड पर फोल्ड करना होगा। तो ये मैंने फैब्रिक को रॉन्ग साइड के ऊपर फोल्ड कर लिया है अच्छे से। तो अब हमें इसके 4 फोल्ड देने हैं इस तरीके से। ये जो ऊपर है हमारी लेंथ वाइज हमने इसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड्स दिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर अपनी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर ये जितनी भी इसकी विड्थ है हमारी फ्रॉक के घेरे में आएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फुल लेंथ मेजर करेंगे, जितनी भी हमारे फैब्रिक की फुल लेंथ है। तो यहाँ पर मुझे जो लेंथ रखनी है वो है 45 इंचेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी फुल लेंथ का मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड से अपने फुल लेंथ का मार्क करना है। और यहाँ पर मार्क को सीधा कर लेना है। अब यहाँ ऊपर की साइड से हमें अपने मेजरमेंट का मार्क करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर्स का मार्क करा है मैंने, ये है हमारा 7 इंचेस। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल का मार्क करा है मैंने 7.5 इंचेस। इसके बाद चेस्ट है यहाँ पर 8 इंचेस। देन यहाँ पर हमें वेस्ट का मार्क करने के लिए 6 इंच नीचे यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना वेस्ट का मार्क करेंगे जो कि है हमारा 7.5 इंचेस। देन उसके बाद दोबारा 6 इंच नीचे ही हमें हिप का मार्क करना है। हिप है हमारा यहाँ पर 9 इंचेस। अब हमें यहाँ पर अपने सारे मार्क्स को मिला लेना है। इसके बाद हमने इन मार्क को नीचे पूरे फुल घेरे तक ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर इंच टेप की हेल्प से हमें यहाँ पर पूरा घेरा लेना है फ्रॉक की, जितनी भी हमारी लेंथ है, सॉरी विड है, हमें पूरा उतना ही विड के हिसाब से अपना घेर लेना है ए लाइन। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नीचे तक फुल मार्क कर रही हूँ, जो कि मार्क हमारे यहाँ पर हिप के मार्क से आकर ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर फ्रॉक में हमें नीचे की साइड्स पर कॉर्नर के लिए हमारे कॉर्नर्स ना निकले 3 इंच ऊपर मार्क करना होता है। देन हमें आगे तक कर्व शेप देनी होती है इस तरीके से, जैसे कि मैंने दी है। तो यहाँ पर मैं 3 इंचेस ऊपर मार्क करके नीचे कर्व शेप दे रही हूँ, जिससे हमारी फ्रॉक के कॉर्नर्स नहीं निकलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन देना है। नीचे घेरे की साइड से हम 1 इंच का मार्जिन देंगे और यहाँ पर ऊपर फिटिंग वाली साइड से हम 2 इंचेस का मार्जिन देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है।
अब हमें यहाँ पर नेक की मेजरमेंट लेकर शोल्डर डाउन करने होते हैं। तो यहाँ पर 3 इंचेस का जो है हमारा नॉर्मली नेक रहता है, उसके बाद हमें यहाँ पर 1/2 इंच नीचे तक शोल्डर डाउन करने हैं। तो हमारी ए लाइन फ्रॉक की मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो जो यहाँ पर हमारा रिमेनिंग फैब्रिक था, उसके अंदर से हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो हमें आर्म होल का साइज़ लेना है, वो मैंने जो लिया था 7.5 इंचेस लिया था। तो हमें 3 इंचेस या 4 इंचेस ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमें पफ स्लीव्स बनानी है। तो यहाँ पर मैं फुल 11 इंचेस ले रही हूँ, जितना भी ये पूरा फैब्रिक है। हम उसके अंदर जितनी ज़्यादा प्लेट्स देंगे उतनी ज़्यादा पफ आएगा स्लीव्स में। तो मैंने 11 इंचेस लिया है, और इसकी जो फुल लेंथ ली है वो मैंने यहाँ पर 19 इंचेस ली है, प्लस 1 इंचेस नीचे मार्जिन कर लिया है। स्लीव बॉटम यहाँ पर 5 इंचेस का रखा है। ऊपर से हमें यहाँ स्लीव्स की शेप देनी है, देन यहाँ पर हमने ऊपर के मार्क को नीचे स्लीव बॉटम तक मिला देना है। तो अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। तो अब बारी आती है हमारी स्टिचिंग की। तो मैंने यहाँ पर ये नेक लिया है, बुकरम नेक, जिस सबसे पहले हमें नेक बनाना है, उसके बाद हमें बैक नेक बनाना है। तो यहाँ पर ये मैं इस नेक को फ्रॉक में अटैच करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट नेक रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने बैक नेक के लिए दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद बैक नेक की कटिंग करनी है। देन हमने यहाँ पर उरे पट्टी कट करनी है और बैक नेक के ऊपर ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर हमारे दोनों फ्रॉक के नेक्स बन गए हैं, फ्रंट और बैक। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो है 7 इंचेस और बैक नेक की है 5 इंचेस। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपनी स्लीव्स को रेडी करना है। तो यहाँ पर पफ स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पर ये शोल्डर्स का हमारा जो है साइड है, तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स है जिसको मैंने फ्रंट से कट कर लिया है, सेंटर इसका कट कर लिया है। तो हमें यहाँ पर सेंटर से इस तरीके से इसको रखना है। इसके बाद हमने यहाँ पर प्लेट्स सेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 इंच से भी कम कि मैं यहाँ पर प्लेट्स से रही हूँ। हमें बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ पर देनी है, और 4 प्लेट्स से ज़्यादा नहीं देनी। तो यहाँ पर ये मैंने 2 प्लेट्स डाली हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई करनी है, और इसके बाद 2 प्लेट्स और डालनी है। तो यहाँ पर हमने 4 प्लेट्स डाल दी हैं, देन हमने जैसे स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से स्लीव्स ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरी साइड पर प्लेट्स डालनी है, जैसे हमने पीछे की साइड पर डालनी है। तो ये स्लीव्स की हमारी बैक साइड है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी प्लेट्स 4 प्लेट्स डालनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर प्लेट्स डालनी है, बहुत छोटी छोटी, ज़्यादा हमें प्लेट का साइज़ नहीं लेना है।
तरीके से हमारी जो है पफ स्लीव्स बनती हैं, तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव भी ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारी स्लीव्स का लुक आएगा। तो हमने नीचे स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेना है बॉटम की साइड से, और दूसरी स्लीव भी ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स बनकर रेडी हो गई हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो है फ्रॉक की फिटिंग करनी है और नीचे से हमने बॉटम को फोल्ड करना है। तो ये शेनिल का जो है फैब्रिक है, तो यहाँ पर आपको बॉटम में फ़ोल्ड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपसे बॉटम फोल्ड ना हो तो आपने न्यूज़पेपर को या फिर किसी भी पेपर को रख कर आप उसको सिलाई लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक सिलाई आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी जो है फुल ए लाइन फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। तो ये हमारे स्लीव्स का लुक आया है और हमारी पूरी फ्रॉक का लुक आया है। तो यहाँ पर मैंने जो है इस फ्रॉक को रेडी कर लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैंने आपको बतानी थी कि अगर आपके जो है कॉर्नर्स फ्रॉक के नीचे की तरफ लटक रहे हैं तो आपने क्या करना है, जैसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके कटिंग करी थी फ्रॉक की, तो अगर आपकी जो कॉर्नर्स हैं नीचे की तरफ से निकल रहे हैं, लटक रहे हैं, तो आपने इस तरीके से दोबारा फ्रॉक को फोल्ड करना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। आपने दोनों कॉर्नर्स ज्वाइन करने हैं, उसके बाद ये जो हमारी फ्रंट वाली साइड है इसको भी हमने दोबारा फोल्ड करके देखना है इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमारे कॉर्नर्स निकलेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, और अगर सही होंगे तो ये बिल्कुल दोनों बराबर आएंगे। तो आपके अगर ऊपर नीचे हो तो आपने नीचे के पार्ट को कट कर लेना है, तो आपके कॉर्नर्स बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो इस तरीके से ये सबसे आसान तरीका है, आपने कॉर्नर्स लटक रहे हैं तो आप इस तरीके से देख लें और उसको कट कर लें नीचे की साइड से। तो यही था मेरी आज की वीडियो का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।